हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू इम्परफेक्ट क्लास। आज मैं इधर में कुछ दिन पहले मैंने आपको टोटल सेशन का दिखाया था जो टीएस था। आज एक अच्छा मशीन से हम लोग कर रहे हैं, उसका नाम है डीजीपीएस। और जीपीएस का जो सर्वे है वो कैसे किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसमें क्या क्या फंक्शन होता है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वीडियो का एंड तक देखने के लिए आपको पूरा चैनल देखना पड़ेगा और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा इम्परफेक्ट क्लास हम लोग का, और फेसबुक में ये वीडियो मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाँ गाइस, ये है हमारा टाइपो स्टैंड। ये जो मशीन है इसको ई रोवर बोलते हैं। एक्चुअली ये अभी ई जो टाइपो स्टैंड में बैठे हैं ना, इसको हम बेस पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये है अभी हमारा का होगा डीजीपीएस का बेस पॉइंट। डीजीपीएस पे हम लोग मिनिमम एक रोवर से काम कर सकते हैं। ये जो मशीन आपको दिखाई दे रहा है ये रोवर है, इसको कहते हैं R1 इंटरनल, ठीक है। डीजीपीएस में हम लोग 10 रोवर से काम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग इधर में डीजीपीएस क्यों यूज कर रहे हैं पहले हमको ये जानना होगा। थोड़ा सामने ये जी देखिए, डीजीपीएस में उसका जो सीखने के लिए पहले आपको फुल फॉर्म बोलना पड़ेगा। ये होता है डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ठीक है। डीजीपीएस के अंदर दो सर्वे जैसा होता है, सॉरी 3 सर्वे होता है। एक आता है स्टैटिक्स और आता है काइनेमेट्रिक्स, ठीक है। काइनेमेट्रिक के अंदर 2 सर्वे होता है, एक होता है पीपीके और एक होता है आरटीके। पीपीके का मतलब पोस्ट प्रोसेस काइनेमेट्रिक, ठीक है दोस्तों, एंड आरटीके का मतलब होता है रियल टाइम काइनेमेट्रिक्स, ओके। अभी हम लोग इधर कर रहे हैं स्टैटिक्स। स्टैटिक आपको पहले सीखना पड़ेगा, स्टैटिक नहीं करेंगे तो हम पीपीके और आरटीके के पास नहीं जा पाएंगे। स्टैटिक हम क्यों कर रहे हैं, ये जो हमारा पूरा आर्थ, ठीक है, इसमें क्या होता है, हम जहाँ पर खड़े हैं ये जो हम थोड़ा घूम रहे हैं, हम एक एक्सिस के ऊपर घूम रहे हैं। हम जहाँ से घूम रहे हैं इसका कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट हमको निकालना पड़ता है, ठीक है। वो कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालेंगे, ये पहले क्या करते हैं, ये एक बेस होता है, इसका नाम होता है रोवर। ये ट्रिम्बल कंपनी का है, ठीक है, और ये बहुत ही आधुनिक मशीन है, मतलब लेटेस्ट मशीन यही वाला है। ट्राइपॉड स्टैंड करते हैं, उसके बाद ये नीचे वाला एक पॉइंट है, ठीक है, नीचे वाला एक पॉइंट है, ये होता है आपका सीपी पॉइंट। सीपी पॉइंट मतलब आपका बेस पॉइंट, ठीक है। इधर से आपका काम होगा। हम क्या करते हैं, ये सामने आइए जरा, मशीन को हम दिखाते हैं। ये मशीन के सामने ये वाला एक स्क्रू है, ठीक है, ये इधर में एक स्क्रू है जिसको हम फोकस करके नीचे वाला को हम सेंटरिंग करते हैं। ये वाला से ये दिखेंगे ना तो इसे नीचे वाला सेंटरिंग आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो बबल है इसको हमको सेंटरिंग में लाना पड़ता है, ठीक है। ये वाला जो क्लैम्प है ये होता है, ये प्लमेट बोलता है इसको, ठीक है। और ऊपर ये सब जो है इसको बेस बिठाया जाता है और ये बेस के ऊपर काम होता है, राइट। और हाँ, हाइट मेजरमेंट करने के लिए क्या होता है, हमको इंस्ट्रूमेंट का हाइट चाहिए। ये जो एक येलो स्ट्रिप आपको दिखाई दे रहा है, येलो स्ट्रिप, एग्जैक्टली येलो स्ट्रिप से वो जो सीपी पॉइंट जो बेस में वो ग्राउंड पॉइंट है उधर के एक टेप से मापा जाता है। इधर का अभी जो हम लोग का हाइट है वो है 1.306, ठीक है। अभी नेक्स्ट टाइम इसके बाद हम सैटेलाइट हम लोग को क्या करता है, मिनिमम देखो डीजीपीएस में जो स्टैटिक होता है ना, इसमें हम लोग का 6 सैटेलाइट कनेक्ट होता है, ठीक है। उसमें पीडीओप वैल्यू होता है, पीडीओप वैल्यू अगर 6 होता है तो हम लोग काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर पीडीओप वैल्यू 3 आता है तो वो इज गुड, वो सर्वे करने के लिए बहुत अच्छा पोजिशन है, ठीक है। अब लोग हम जाते हैं नेक्स्ट रोवर के पास। ये होता है आपका बेस, और ये जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट तो इसमें तुरंत कनेक्ट नहीं करेगा, उधर में सामने कार्बन पोल है, वो कार्बन पोल के पास ले जाते हैं। चलिए, मुझे तो वीडियोग्राफर बना दिया इसने। दोस्तों इधर आओ, देखो ये आपका हो गया कार्बन पोल, ठीक है। ये कार्बन पोल क्यों है, इसको कार्बन क्यों किया जा रहा है, नॉर्मल पोल क्यों नहीं है, ये आपको समझ में आया कि ये कार्बन पोल क्यों भेजा है। देखो सैटेलाइट जो ऊपर है उधर से कोऑर्डिनेट निकल रहा है इधर में, वो सैटेलाइट का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, वो ये कार्बन पोल कैच करता है, ठीक है। अभी ये जो इसका हाइट है, इसको हाइट कितना होगा, इसका 2 मीटर रखा है, ठीक है। देखो 2 मीटर इस कार्बन पोल का हाइट है, ओके। ये इधर में सामने इधर में एक बबल है, छोटा सा बबल, ठीक है, इसको हमको लेवलिंग करना पड़ता है, ठीक है। लेवलिंग करने के लिए ये तो तीनों है, ये विकेट जैसा दिख रहा है इसका, ये भी ट्रिम्बल का है, ठीक है। अब ये काम हो रहा है इसलिए हम इसको छू नहीं सकते, ठीक है। हम आपको थोड़ी देर में करके दिखाएंगे ये वाला कैसे होता है, इसको ऐसे काम क्यों जाता है। और मैं बोल रहा था ना R2 वाला, ये होता है आपका दूसरा रोवर, ठीक है, हम लोग एक भी R1 भी R1 से भी काम कर सकते हैं। हम लोग मैक्सिमम क्या बोला 10 ओवर से काम कर सकते हैं, जो वाला 1 पॉइंट है ये वाला सेम वाला पॉइंट है। जब हम लोग ऑटोकैड में काम करेगा ना इसको स्टिकर एक पॉइंट होगा बेस का, ठीक है, और ये अभी हो रहा है ना जीपीएस का 5 नंबर पॉइंट है। हम लोग क्या करते हैं वो जो सेंटर पॉइंट है ना दोस्तों, सेंटर पॉइंट से ये रॉड जहाँ बैठेगा वो सेंटर पॉइंट से ही कनेक्ट होता जाएगा ऐसे, जहाँ जहाँ हमको बैठेंगे उसका डिस्टेंस मेजर करने किया जाएगा। और ये पॉइंट में भी कोऑर्डिनेट काम कर रहा है। मिनिमम आपका 8 मिनट लगता है, ठीक है, क्योंकि बहुत बहुत जगह में आपका 8 घंटे भी लग सकता है, वो डिपेंड होता है कि कितना टाइम आपको लग रहा है काम करने में। देखो ये वाला ग्राउंड जो है ना बहुत ही लेवलिंग में है, ठीक है, ये लेवलिंग में है इसलिए हम लोग को थोड़ा सा टाइम लगा। जहाँ पर जब होता है बहुत ऊंचा नीचे होता है, पहाड़ जैसा होता है, उधर में बहुत सारा टाइम लगता है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग स्टैटिक करते हैं। उसके बाद पीपीके हमको बोल देंगे। पीपीके हम लोग क्यों करते हैं? पीपीके वो आप लोग देखा था ना टूरिस्ट स्टेशन में जो हम ट्रोपो का भी सर्वे करते हैं, एग्जैक्टली पीपीके हम लोग यूज करते हैं ट्रोपो का सर्वे के लिए। आरटीके जो रियल टाइम एनिमेटेड है वो भी सेम ही है। ओके, तो इसके बाद मैं कंट्रोलर को दिखा दूंगा कंट्रोलर कैसे किया जाता है, वो फोन जैसा होता है। ठीक है, चलिए कट करते हैं। अच्छा दोस्तों, ये वाला जो मैं बोला अभी इसको सेंटरिंग करना है, ठीक है, ये अच्छी तरह से देखो, ये वाला जो बबल है आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, बबल को सेंटर में लाना पड़ेगा और इसको छोड़ देना पड़ेगा। ये विकेट जैसा है, ये पूरा खुल जाए, ये पूरा आपका क्या होगा खुल जाएगा। देखो अभी इस तुरंत देखो खुल गया, एग्जैक्टली मतलब इसका सेंटरिंग बबल बीच में आ गया आपका। एक सेकेंड, ये देखो बस अब सेंटरिंग हो गया और ये वाला आपका ऑन हो जाएगा, जो वाला रोबर है इसको ऑन कर देंगे। ओके हेलो गाइस, तो मैं जैसे बेस और रोवर के बारे में बात कर दिया, बस कंट्रोलर मेरा बाकी था। हम कंट्रोलर के बारे में अभी बोलेंगे। सामने मुझे वॉइस नहीं आएगा। दोस्तों बेस और रोवर के बारे में मैंने बोल दिया, अभी बोल रहा हूँ मैं कंट्रोलर के बारे में। ठीक है गाइस, हाय गाइस, ये वाला होता है आपका कंट्रोलर। ठीक है, ये कंट्रोलर से हम लोग वो रोबोट और बेस को हम लोग कनेक्ट करके इसमें हम लोग का सैटेलाइट कनेक्ट हो जाता है। देखो उसमें 94 जहाँ पर दिखा रहा है ना उसके नीचे को 12 लिखा हुआ है। ये 12 क्यों है? ये 12 वाला है कितना काउंटिंग सैटेलाइट इधर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इधर में देखो अभी 1 मिनट 3 सेकेंड 1 सेकेंड देखो ये कम हो रहा है। ठीक है, ये वाला हो रहा है सैटेलाइट काउंटिंग। इसके 8 मिनट के अंदर आपका कोऑर्डिनेट वैल्यू निकल जाएगा वो जीपीएस 11 12 नंबर पॉइंट का, जहाँ पर हम लोग वो रोवर को सेटअप किए थे। ठीक है, ये जो पीडॉप वैल्यू 1.9 है ना, ये इज ए गुड कंडीशन। मैंने क्या बोला था, पीडॉप वैल्यू अगर 3 होगा तो वो काम करने के लिए बहुत अच्छा है। 6 से काम स्टार्ट होता है, 36 सेकेंड अभी हो रहा है। ठीक है, एंटेना जो हाइट है 1.306 mm है और ये वाला है